بسم الله الرحمن الرحيم हम इसी लेक्चर का बी पार्ट शुरू करते हैं। गैसियस एक्सचेंज हमारा चैप्टर है, तो ये बी पार्ट है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स डे टाइम जो है ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। जबकि जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन बनाना। ये फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। इसमें प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। जो कि प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पर रेस्पिरेशन के नतीजे में जो बनती है उसको भी लेते हैं, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से भी लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से भी लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनती है। यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, एक दूसरे के उल्ट अमल है। यानी रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स होते हैं। और रेस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। डे टाइम्स लीव्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं प्लांट्स के, और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से ले रहे होते हैं। जबकि ड्यूरिंग नाइट जो है वो ऑल सेल्स आर कैरिंग रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि नाइट टाइम पौधे रिस्पायर कर रहे होते हैं, तो नाइट टाइम प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ रहे होते हैं। तो सो प्लांट्स जो है वो गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या है? प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जो प्लांट्स हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट अक्सर इसके सरफेस से होता है। आउटर सरफेस ऑफ द रूट्स, स्टेम और लीव्स, इसको कहते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस बोलते हैं, और ये लेयर जो होती है गैसेस स्क्रीन की अलाउ करती है इनर सेल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान। और कुछ पार्ट्स जो हैं ये लीफ के ऊपर थिक वैक्सी होते हैं जिनको क्यूटिकल बोलते हैं। यानी कुछ पार्ट्स के ऊपर जो है वो थिक वैक्सी लेयर होती है जिनको क्यूटिकल बोलते हैं, ये एपिडर्मस के ऊपर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मस के ऊपर, चाहे वो लीफ की एपिडर्मस हो, स्टेम की हो, रूट की हो, और इसका काम भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करना होता है क्यूटिकल का भी। और
जैसा कि लीव्स और यंग स्टेम्स एपिडर्मस के अंदर ये पोर देख रहे हैं आप, ये वाले जो पोर होते हैं इनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा भी जो है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द सेल्स एंड एयर, बिटवीन सेल्स एंड एयर जो है वो हेल्प करते हैं। वुडी स्टेम्स जो होते हैं उसमें इंटायर सरफेस जो है वो कवर्ड होती है बार्क से, गैसेस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क। ये जो इसका बार्क है, छाल है, इससे जो है वो गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। ओके, बार्क के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको लेंटिसेल बोलते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं विद द एनवायरनमेंट। वुडी स्टेम्स के अंदर स्पेशल पोर्स का नाम लेंटिसेल्स है और ये वाले लेंटिसेल्स भी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अल्लाह हाफिज़।